देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। फसल बीमा नहीं मिलने पर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बीमा राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित किसानों के साथ कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन। चाचोड़ा क्षेत्र के किसानों द्वारा फसल बीमा राशि नहीं मिलने पर बीनागंज नगर में कांग्रेस जन एवं किसानों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के पूर्व कांग्रेसियों द्वारा नगर के मुख्य मार्ग से रैली निकाली गई, जिसमें शिवराज सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए राजीव गांधी चौराहे पर कांग्रेस जन एवं क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए। किसानों एवं कांग्रेसियों द्वारा क्षेत्र में मिलने वाली फसल बीमा की राशि वर्ष 2016-17 में नहीं मिलने पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी नायब तहसीलदार को सौंपा। चाचोड़ा ब्लॉक के 60 से 70 ग्राम ऐसे जहाँ पे राशि उनके खाते से काटी गई थी बीमा की, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ। देहरी हुआ, कोदयपुरा हुआ, डाबरे हुआ, देदला हुआ, देली गांव, पैंची, राली के बड़ा एरिया है, मतलब जहाँ पे कोई भुगतान नहीं हुआ। और जितनी राशि पर बीघा पे ली थी, जितना प्रीमियम लिया था, उतने से कम किस कहीं पे दिया, 50 रुपये बीघा, कहीं पे 100 रुपये बीघा, जहाँ पे दिया है वहाँ पे, मतलब किसानों के साथ पूरा भेदभाव हुआ। और यहीं पे ही क्षेत्रीय विधायक महोदय की पंचायत में 7,000 रुपये बीघा का बीमा कंपनी के द्वारा, वो ये किसकी साठगांठ है, ये भुगतान किया गया, आप डिटेल निकला। 12 तारीख को शिवराज सिंह प्रदेश के मुखिया की जन आशीर्वाद यात्रा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? अब किसानों के साथ शिवराज सिंह अत्याचार के ऊपर अत्याचार करे जा रहा है। पिछले साल मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, उसमें शिवराज सिंह दोषी है, और जन आशीर्वाद लेने निकल रहा है, जब किसान परेशान है और जन आशीर्वाद किसका, वो तो खुद का स्वयं का पब्लिक सिटी। सरकार द्वारा जो किसानों के लिए भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, जो कि गुना जिला में बहुत कम बीमा की राशि मिली है और कहीं कहीं तो बिल्कुल मिली नहीं है, अगर मिली भी है तो बहुत कम, ऊँट के मुँह में चीटा के बराबर है। इसलिए हम किसानों के पक्ष में धरना आंदोलन किया गया है। हम आप ये चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी किसानों की राशि मिल गई तो आगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। 12 तारीख को सीएम का आने का है, अगर आपकी मांग जब तक पूरी नहीं होती है तो क्या कदम उठाएंगे? हम अनुरोध करेंगे 12 तारीख को सीएम अगर आशीर्वाद यात्रा में आएंगे, उनका भरपूर उनका जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा हम काले झंडे बताएंगे, जन आंदोलन करेंगे, किसानों को आंदोलन करवाएंगे, किसानों को हमारे पक्ष में कर उनका विरोध करवाएंगे। ये किसानों की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है, किसानों के लिए हर लड़ाई किसान के लिए तत्पर है। लगभग किसानों की कितनी राशि रुकी हुई है जिसका भुगतान होना बाकी है? चने की भावांतर की राशि रुकी है, जो 4 तारीख के बाद जितना चना तुला था उसका कोई भुगतान नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।